हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बनाएंगे ये रियल फ्लावर वाला तोरण। ऐसा हाँ, तो हमने वूनन वाले तोरण बहुत सारे बनाए हैं और ये मैंने ट्राई किया है कि क्यों ना कुछ रियल बनाया जाए। तो मैंने लिया है ये फ्लावर, ये अलमंदा फ्लावर है और ये लीफ लिया है मैंगो लीफ, और कुछ इस तरीके से इसको कट कर लिया है। और एक्चुअली मैं इसमें बताना भूल गई हूँ कि अपन को क्या क्या ज़रूरत रहेगा। पहले हमको चाहिए ये फ्लावर, कोई भी टाइप का आप ले सकते हैं अलमंदा का, और ये मैंगो लीफ, सीजर चाहिए रहेगा, स्टेपलर चाहिए रहेगा, और हमको चाहिए रहेगा धागा जिसमें आप जो ये तोरण है उसको लटकाना चाहें। आप उनका भी बना सकते हैं, मौली धागा का भी बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें उसमें आप बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। एक्चुअली मैं आज गई थी गणेश मंदिर और वहाँ पर मुझे मंदिर को देखकर कुछ सूना सूना सा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्लावर तोड़ा जाए और मंदिर के लिए कुछ बनाया जाए। तो मैंने ये ट्राई किया है, आप बताइएगा ये कैसा लगा है और आप कब ट्राई कर रहे हैं वो भी बताइएगा। और ऐसे मैंने ये देखिए बहुत सारे बना लिए हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये मैंने उलन थ्रेड ही यूज़ किया है, इसको जितना बड़ा मंदिर का जो सामने का गेट है उसके हिसाब से। आप अगर चाहें तो इसको जो भी अभी दिवाली आ रहा है और बाकी सब भी फेस्टिव्स आ रहे हैं तो उन सब के लिए आप बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक एक करके सबको क्लीन वोट करते जाना है और ऐसे ही मैंने सबको किया है। और आप बताइए कि आप कब बना रहे हैं, कौन से फ्लावर का बना रहे हैं, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर और आप देखना चाहते हैं तो आप कौन सा वाला तोरण बनाना सीखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, कि पोम-पोम वाला बनाना है कि ऐसी सेम मैंगो लीफ और रियल फ्लावर का कोई और तोरण या अपन माला बना सकते हैं। तो ये हमारा बनकर रेडी होने वाला है। ये देखिए मंदिर में लगने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिनटों में बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।